आफरीन ने फातिमा के जाते साइड टेबल पर रखी अलमीर की रखी तस्वीर उठाई। इस पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी रूम में तुम शामिल हो चुके अलमीर, इस बात का गवाह मेरा अल्लाह है, प्लीज वापस आ जाओ। ये बोलते एक बार फिर आफरीन के आंसू अलमीर की तस्वीर पर गिरने लगे थे। मोहब्बत में दगा की तो काफर थे तो काफर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं। तेरे दिल की निकाले हम कहां भटके कहां पहुंचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। हुमायूं सर, ये आपकी फाइल जो आपने मांगी थी। हुमायूं के मैनेजर ने हुमायूं को फाइल दी, कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जब हुमायूं ने एक नजर फाइल पर डाली और मैनेजर को जाने को कहा था, अभी हुमायूं फाइल ही देख रहा था जब इसके नंबर पर आलम की कॉल आई थी। हुमायूं ने कॉल उठाते ही मसरूफ अंदाज में कहा था, हाँ आलम बोल। यार हुमायूं तो किसी काम का नहीं, ये काम नहीं कर सकता भाई का। आलम की बात सुनकर हुमायूं के माथे पर बल उभरे थे। इसने फाइल बंद कर कहा था, बड़ा ही कोई एहसान फरामोश इंसान है तू भी, तेरा रिश्ता लगवाया है तेरे कहने पर, जल्द अज जल्द शादी की डेट फिक्स करवा दी, अब तू क्या चाहता है बताना पसंद करेगा। अरे अरे मेरे शहजादे, तू तो गुस्सा ही हो गया, आलम ने फौरन मस्का लगाते हुए हुमायूं का कहा था, जिसके तेवर इस वक्त खराब लग रहे थे, जो आलम समझ चुका था। वो मैं कह रहा था कि तूने मोना का नंबर नहीं दिलवाया अभी तक। आलम की बात से हुमायूं ने एक आईब्रो उचका कर कहा था, ज्यादा खुशफहमी नहीं पाल, मुझसे जब लड़की पर नजर रख सकता है, अपनी उम्र छुपा सकता है तो नंबर भी खुद ही पता कर ले, मुझसे भी किसी किस्म की मदद की उम्मीद नहीं रखना। मैंने यहाँ कोई लव गुरु का स्कूल नहीं खोला हुआ, पहले लड़की का रिश्ता लगवाओ अब नंबर भी दिलवाओ। जा भी, माफ कर, बहुत काम है मुझे। खुद तू तो वेला है ना, अल्लाह हाफिज। ये कहकर हुमायूं ने फोन रख दिया था, जबकि आलम का मुंह अभी तक खुद को वेला कहने पर खुला हुआ था। अलमीर अभी अभी एक मीटिंग अटेंड कर लंदन में मौजूद अपने फ्लैट पर आया था, जब इसके नंबर पर फातिमा की कॉल आई थी। अलमीर ने मुस्कुरा कर कॉल अटेंड की थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, मेरा बेटा कैसा है। मैं भी ठीक। घर कब वापस आ रहे हो। मामा कुछ कह नहीं सकता। मामा भी अचानक अलमीर के मूड संजीदा हुआ। किससे भाग रहे हो अलमीर। मतलब मामा मैं किससे भागूंगा, मैं समझा नहीं आपकी बात। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, अलमीर आफरीन मुझे एक एक बात बता चुकी है, तुम्हारी जुदाई से तोड़ चुकी है। अब वो आफरीन नहीं रही जिससे तुमने शादी की थी अलमीर, वो बहुत शर्मिंदा है। रातों को सजदों में इसने अपने गुनाहों की माफी मांगते बिलखते देखा है मैंने। अलमीर इससे गलती हुई है अलमीर, मगर इसने तुम्हारे हुकूक में किसी को शराकत नहीं दी। इसने जो किया इस गुनाह की माफी वो अपने रब से हर सजदे में मांगती है। आज आफरीन की आंखों में सिर्फ तुम्हारा अक्स दिखता है, इसकी निगाहें दरवाजे पर होती है। अगर अल्लाह ने इसे माफ करके इसे इतनी तौफीक दी है कि वो इसके आगे सजदा कर सके, गुनाह से वापसी का सफर शुरू कर सके, तुम भी इसे माफ कर दो। इसने कहा है कि तुम्हारी नफरत कबूल है सारी जिंदगी, मगर तुम्हारी जुदाई नहीं, सोचना जरूर इस बारे में। फातिमा ने तो अपनी बात बोलकर कॉल रख दी, जबकि अलमीर की आंखें आंसुओं से जारी हो गए थे। इसे अभी तक अपनी मामा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मोना की शादी में एक महीना रह गया था, जोरों शोर से शॉपिंग का सिलसिला जारी था। आज भी वो लोग शॉपिंग पर जा रहे थे जब फातिमा के मोबाइल मैसेज टोन पर बजी थी। फातिमा ने जैसे ही मैसेज पढ़ा इसके लब धीरे से मुस्कुराए थे। इसने अपने कमरे में जाती आफरीन को आवाज दी थी और कहा, आफरीन बेटा। जी मामा। बेटा अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम घर पर रह सकती हो, मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, ज्वेलर का फोन भी बार बार आ रहा है, मैं और मोना ज्वेलरी ले आते हैं, तुम घर पर गेस्ट रिसीव कर लेना। जी जी मामा, आप जाए मैं घर पर ही हूँ। आपके गेस्ट कब तक आएंगे। वो क्या है ना कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ जब तक। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ और आएंगे तो पता चल जाएगा। ओके मामा। आफरीन अपने कमरे में चले गए और मोना और फातिमा बाहर निकल गए। आफरीन फ्रेश होकर बाहर निकली और बाल सुखाकर अपनी बैग जिप बंद करने लगी, जो कि हुक्म ही नहीं दे रही थी। अचानक बहुत आराम से आफरीन के कमरे का दरवाजा खुला और कोई दबे पांव अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देख इसके लब धीरे से मुस्कुराए थे। एक भूली बिसरी बात याद इसे आई थी। आफरीन जो अपनी बैग जिप बंद करने में लगी थी कि अचानक इसे अपने हाथ पर किसी के हाथ का एहसास हुआ था। आफरीन की सांस ऊपर की ऊपर रहेगी। इसने अपना हाथ हटाया तो जोर से अपनी आंखें बंद की थी। आने वाले ने बैग की जिप बंद की तो आफरीन धड़कते दिल के साथ मुड़ी थी। अपने सामने अलमीर को देख बेधड़क इसका हाथ अपने लबों पर गया था। अलमीर जैसे जाने के लिए मुड़ा, आफरीन ने फौरन इसका हाथ पकड़ा, जोर से गले लगकर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं अब नहीं जाने दूंगी, मुझे माफ कर दो अलमीर, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूंगी।
बस तुम्हारी बनकर रहूंगी। भले मुझसे नफरत करो मगर अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी। आफरीन ये बोलती जा रही थी और कभी अलमीर की गर्दन पर अपने लब रखती तो कभी इसके गाल पर, कभी इसकी गर्दन जोर से पकड़ती, कभी इसकी कमर पर मजबूती से थामती। जबकि अलमीर तो आफरीन के इजहार पर इस हरकत पर ही साकन था। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। अचानक अलमीर ने आफरीन को खुद से अलग किया और गौर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। सच कहा था इसकी माँ ने कि आज आफरीन की आंखों में अलमीर का अक्स था। आफरीन ने फिर एक बार अलमीर का हाथ थामा, रोते रोते कहा था, अलमीर मुझे माफ कर दो, बस एक मौका दे दो। अलमीर ने इसके हाथों से अपने हाथ अलग किए तो आफरीन नफी में गर्दन हिलाने लगी। अलमीर ने इसे खींच कर अपने आप से लगाया और आंसू साफ करते हुए कहा था, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। ये कहकर अलमीर रोती आंखों समेत मुस्कुराया था और आफरीन के लबों पर अपने लब रख दिए थे। थोड़ी देर बाद अलमीर के हाथ आफरीन की बैग पर गया और इसने वही जिप ओपन कर दी जो इसने अभी थोड़ी देर पहले बंद की थी। अलमीर की सरकत पर आफरीन की सांसों की रफ्तार और तेज हो गई। अलमीर ने आफरीन के लब आजाद किए। आफरीन जो समझ रही थी अलमीर की गुस्ताखियां खत्म हो गई, ये तो इसकी भूल थी। अलमीर ने आफरीन को बाहों में उठाकर बेड पर लटाया था, खुद इस पर झुक गया था। शोल्डर से नीचे शर्ट करकर जब अलमीर ने वहां अपने लब रखे तो आफरीन की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हर लम्हा भरती अलमीर की गुस्ताखियों से आफरीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कुछ याद आने पर इसने अलमीर का कंधा पकड़कर इसे पीछे किया था। जबकि अलमीर जिसकी आंखें अभी भी खमार देखकर आफरीन की आंखें शर्म से झुक गई थी, इसका चेहरा ब्लश करने लगा था, जिसे देख अलमीर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। आफरीन की सर्कल पर अलमीर ने सवालिया नजर से आफरीन को देखा तो आफरीन ही इसकी बात का महफूम समझ गई। वो अलमीर मामा के कौन से गेस्ट आने वाले थे? शायद आने वाले होंगे, मामा ने कहा था, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ओह, वो स्पेशल गेस्ट मैं ही हूँ, ये कहकर अलमीर ने दोबारा अपने लब आफरीन की गर्दन पर रख दिए थे। आफरीन फिर अलमीर को कंधे से पकड़कर पीछे किया तो अलमीर ने चिढ़कर कहा, अब क्या है, तुम बहुत चलाक हो अलमीर। आफरीन के बोलने पर अलमीर का चेहरा एकदम संजीदा हुआ, जिसे देख आफरीन ने निगाहें झुकाकर कहा था, सॉरी वो मेरा ये मतलब नहीं था। आफरीन को ऐसा देख अलमीर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी और कहा था, मगर जाने मान अगर चलाक नहीं बनता तो तुम्हें बताता कैसे, ऐसे सॉरी मत कहो, मुझे बस मेरी आफरीन चाहिए जिसकी हर एहसास जज्बात बस मेरा हक हो। अलमीर की बात पर आफरीन ने निगाहें उठाकर अलमीर को देखा था जिसे देख रहा था। आफरीन ने एकदम मूड बदल कर कहा था, अलमीर उफ बहुत वजन है तुम्हारा, उठो मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रहा। अलमीर जो दोबारा आफरीन के लबों पर झुकने लगा था, आफरीन की बात सुनकर एकदम ऐसे देखा तो वो बिल्कुल संजीदा थी, मगर इसकी आंखों में शरारत देख अलमीर समझ गया था कि वो मजाक कर रही है। अलमीर ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में काबू किया और इसके लबों पर झुकते हुए कहा था, अभी बताता हूँ वजन किसे कहते हैं। दोनों की हंसी आज आफताब मेंशन में गूंज रही थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सामने वाले के दिल में एक न एक दिन आपकी मोहब्बत पनपेगी जरूर। वक्त थोड़ा लगता जरूर है पर अपने अल्लाह पर यकीन रखें। आज मोना और आलम की बरात थी। एरा और हुमायूं एरा के सेमेस्टर की वजह से मायो के एक दिन पहले खत्म हुआ था, इसलिए वो मायो वाले दिन ही पहुंचे थे, जिसका गुस्सा बेचारे हुमायूं को भुगतना पड़ा था। एरा और हुमायूं ने पूरे मायो अलमीर से बात नहीं की थी, जिसकी वजह अलमीर का बिना बताए आ जाना था, मगर थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद बिलाखर मामला ठंडा हुआ था। मोना आफरीन सभी तैयार होकर हाल पहुंच चुके थे, सिर्फ एरा रह गई थी जिसे लेने हुमायूं पार्लर पहुंचा था। हुमायूं ब्लैक डिनर सूट में मलबूस अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था, जब एरा ब्लैक साड़ी में आती ही दिखाई दी थी। हुमायूं ने जब एरा को देखा तो बिल्कुल साकन हो गया था, एरा कोई और ही जहां की लग रही थी। हाई हील, हाथों में ब्लैक चूड़ियां, साइड पर मैसी जूड़ा और साड़ी जो ऐसी पहनी गई थी जिसमें एरा का कोई जिस्म झलक नहीं रहा था। एरा हुमायूं के सामने जाकर ठहरी और कहा, चले हुमायूं देर हो गई है काफी। हुमायूं जो एरा के हुस्न को देखने में मगन था एकदम होश की दुनिया में वापस आया और कहा, हाँ चलो। हुमायूं ने एरा के लिए गेट खोला, खुद बड़बड़ाता हुआ अपनी सीट पर बैठा, ये लड़की हर दफा मेरे अंदर सोए हुए शोहर को जगाती है, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हुमायूं की बड़बड़ाहट एरा बासानी सुन चुकी थी, जिसे सुनकर एरा के लब धीरे से मुस्कुराए थे। सारी शादी खैर आफियत से निपट गई थी। शानदार वलीमे के बाद मोना इंग्लैंड चली गई थी। एरा मोना के इतने दूर जाने से काफी उदास थी, मगर फिर अपनी पढ़ाई में इतनी मसरूफ हुई कि किसी का होश ही नहीं रहा। आफताब मेंशन की शादी निपटी तो खान हवेली में शादी का हंगामा शुरू हो गया। जामान और जुबारिया की रुखसती पहले हुई और जुबारिया के कहने पर, क्योंकि वो अपने भाई की शादी एंजॉय करना चाहती थी,
ब्लड रेड शरारे में मुश्कबार पर कमाल का रूप आया था और ब्लैक शेरवानी में वली भी किसी से कम नहीं लग रहा था। सारी रस्मों के बाद मुश्कबार को वली के कमरे में बैठाया गया था। मुश्कबार जो शायद ये समझ रही थी कि वली का रवैया इसे बदल जाएगा, मगर ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। वली कमरे में आया और बिना मुश्कबार पर नजर डाले चेंज कर बेड पर करवट लेकर लेट गया। इस तोहीन पर मुश्कबार के आंसू बहने लगे थे। इसने डरते डरते वली के कंधे पर हाथ रखा। वली झटके से उठा और मुश्कबार का हाथ सख्ती से दबा कर कहा था, सोचना भी नहीं कभी तुम्हें अपने दिल में अपनी जिंदगी में कोई मुकाम दूंगा। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी बहन की खुशियों की वजह से की है। और याद रखना मुश्कबार, इस बंद कमरे के हालात अगर बाहर मैंने किसी के मुंह से सुने तो अपनी बर्बादी की वजह तुम खुद होगी। ये बोलकर वली ने झटके से मुश्कबार का हाथ छोड़ा था और करवट लेकर सो गया था। मुश्कबार ने बहती आंखों से वली की पुश्त को घूरा और सोचा, तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने कोई जुर्म किया? और जुर्म किया तो भी तू ही रे, जुर्म की है क्या सजा? मुश्कबार ने चेंज किया और खामोशी से वली की पुश्त को घूरते हुमायूं एरा के बेहोश वजूद को लेकर घर में दाखिल हुआ तो जोर जोर से हमरा को बुलाने लगा। हुमायूं के बुलाने पर एक नुकरानी भागती हुई आई और कहा, हुमायूं साहब, बड़ी बीबी दवाई खाकर सो गई है, अब बोले तो उठा दूं। नुकरानी हुमायूं की गोद में एरा के बेहोश वजूद को देख फिक्रमंदी से बोली, नहीं, तुम थोड़ी देर में दूध गर्म कर ले आओ। अच्छा साहब। हुमायूं एरा को लेकर कमरे में पहुंचा और फौरन एसी बंद किया और अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर वो एरा के कपड़े लेकर इसके पास पहुंचा था। कोई झिझक थी जब वो एरा के हाथ नहीं लगा पा रहा था, मगर फिर ये सोच कि इसने एरा का अबाया उतारा और इसकी शर्ट उतार दी, मगर एरा के वजूद से वो नजर चुरा गया था। एरा के कपड़े बदलवाने के बाद हुमायूं ने नुकरानी से दूध मंगवाया, जैसे तैसे करके एरा को दूध के साथ मेडिसिन खिला दी। खुद इसका वजूद अपनी बाहों में समेट कर जैसे लेटा एरा और हुमायूं से चिपक गई थी। हुमायूं गौर से देखने लगा कि आज वो वक्त पर ना पहुंचा तो न जाने एरा कहाँ होती। ये सोचकर हुमायूं की रूह फना होने लगी थी। हुमायूं ने एक बार फिर एरा के लबों पर अपना प्यार और शिद्दत की मोहर लगाई थी और सो गया। इसे ये फिक्र थी कि इसने खाना खाया या नहीं, इसे तो फिक्र थी तो बस अपनी प्रिंसेस की जो इसकी बाहों में थी। आज वली जल्दी आ गया था मौसम को देखते हुए, मगर जब वो घर आया तो हमेशा की तरह ना तो मुश्कबार इसकी राह में खड़ी थी, ना ही इसके लिए चाय वगैरह लाई थी। सारे घर को चेक करके जब वो कमरे में पहुंचा तो मुश्कबार गठरी बने सो रही थी। वली ने इसे 2-3 बार पुकारा मगर वो टस से मस ना हुई। अगर वली ने जब इसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार में फफक रही थी। वली ने फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने वली को बताया, इन्हें 2-3 दिन से बुखार है, इतनी बेहतियाती अच्छी नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद वली ने मुश्कबार के लिए दूध गर्म करने के साथ साथ कुछ खिलाने के लिए से मेडिसिन दी तो वो थोड़ी होश में आई और बुखार में फफकता चेहरा, दुपट्टे से बेनियाज वजूद, ऊपर से इसकी नीली आंखों के साथ साथ इसके बिखरे बाल जो कमर से नीचे बिखरे पड़े थे। वली गौर से इसके एक एक नकुश को देख रहा था। मुश्कबार वली की आंखों से काफी कंफ्यूज हो रही थी। मुश्कबार ने दिल में कहा था, वैसे तो देखते नहीं, अब देख रहे हो जैसे आंखों में एक्सरे फिक्स हो। ये सोचते हुए मुश्कबार ने अपने बाल समेटने के लिए जैसे ही बाल हाथ में लेकर ऊपर करने चाहे, इसके हाथों में दर्द की एक लहर उठी जिसकी वजह से मुश्कबार के बाल इसके हाथ से छूटकर दोबारा बिखर गए। वली जो ये सब देख रहा था उठकर मुश्कबार के पास आया, इसके बाल समेटने लगा। मुश्कबार की तो मानो सांस ही रुकी थी। वली ने जैसे इसकी गर्दन से बाल उठाया तो इसकी बैक की जिप हल्की सी ऊपर थी। वली की नजर बार बार भटक रही थी, फिर कुछ बारिश का असर था, कुछ रिश्ते की कशिश थी। वली ने मुश्कबार के बाल आगे को करके इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए थे। मुश्कबार की आंखें एकदम बंद हो गई थी। तो इस बंजर जमीन की तरह थी जिस पर आज इसका मनचाहा शोहर अपनी प्यार की बरसात कर रहा था। वली ने इसकी बैग की जिप पूरी ओपन कर गई, इसे बेड पर लटाकर खुद अपनी शर्ट उतार कर मुश्कबार के वजूद को अपने हसार में कैद कर लिया था। मुश्कबार के लबों को देखते इसने बिना झिझक मुश्कबार के लबों पर अपने लब रख दिए थे। मुश्कबार के चेहरे पर जगह जगह अपने लब रखने लगा। मुश्कबार का जिस्म जो बुखार की शिद्दत से गर्म हो रहा था, वली की बाहों में आकर एकदम बर्फ जैसा यख हो गया था। वली ने पूरी तरह आज मुश्कबार पर अपना हक जताया था। ना कोई गुस्सा, ना कोई अना, कभी वली के प्यार करने के अंदाज में शिद्दत आती तो कभी नरमी। इस तरह आज वली और मुश्कबार में जो अना की दीवार थी शायद वो गिर चुकी थी। मगर क्या वाकई मुश्कबार का इंतजार खत्म हो गया था? क्या वाकई वली ने इसे अपनी जिंदगी में जगह दे दी, या फिर वली खाली जज्बात की राह में बहा था? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। सुबह वली की आंखों ले तो अपने हाथ किसी की कैद में पाया। पूरी तरह बेदार हुआ तो पता चला कि मुश्कबार इसका हाथ अपने सीने से लगाकर सो रही है। एक पल के लिए वली मुश्कबार के होश शराबा हुसन को देखकर चौंका।
वली ने आगे बढ़कर मुश्कबार से अपना हाथ अलग किया और जैसे इसे सीधा लटाने लगा एक बार फिर इसकी नजर मुश्कबार के सरापे पर भटकी थी। इसने आगे बढ़कर मुश्कबार के चेहरे पर से इसके बाल हटाए। इस बात का इकरार वो करता था कि मुश्कबार बहुत खूबसूरत है। आज इस बात पर इसने पक्का यकीन हो गया था। वली ने अनजाने एहसास के तहत जैसे मुश्कबार के लबों के करीब अपने लब रखने चाहे फौरन चौंका और तेजी से उठकर वॉशरूम चला गया। वली में से फारग होकर जहाँ जबारिया जामन कागान में ही रहे वहीं वली और मुश्कबार कराची वाले घर में शिफ्ट हो गए थे। वली ने अपने बाप की ख्वाहिश के आगे सर झुकाया था। अमजद भी इसकी ख्वाहिश पर कराची में सेटल हो गया था। फिलहाल अपना कारोबार वहीं सेट करना चाहता था और सर खम किया। जहाँ सभी समझ रहे थे उन्होंने अपने बच्चों की खुशी इनकी झोली में डाल दी। शेर खान भी अपने बच्चों की शादी देख कर काफी खुश थे। इनकी सेहत में भी काफी बेहतरी आई थी। मगर दो लोग जो एक दूसरे के कमरे में होने के बावजूद एक मजबूत रिश्ता बेगानों की तरह निभा रहे थे। वली अपने कारोबार बढ़ाने में इतना मगन हुआ कि कराची आकर वो ये भूल गया कि अपने साथ एक जीती जागती लड़की लाया है जो इसकी बीवी थी। वली सुबह जाता और रात देर तक घर वापस आता। मुश्कबार ने भी अपने होंठ सी लिए थे। अब ना तो वो वली से अपने हक का मुतालबा करती थी ना ही कोई शिकवा। अपने घर वालों को अपने हर अमल हर बात पर वो यही बात समझा चुकी थी कि वो बहुत खुश है। आज ऑफिस में सख्त तरीन शेड्यूल होने की वजह से हुमायूं को दोपहर के खाने का वक्त नहीं मिला था। इसने हमना से फोन कर खाने का पूछा क्योंकि इसकी तबीयत ऐसी थी कि जल्दी खाना खाकर ये दवाई लेनी थी। अभी हुमायूं ऑफिस से खाने के लिए निकल ही रहा था जब इसने ड्राइवर को कॉल करके पूछा कि इसने एरा को घर छोड़ा या नहीं। मगर इसके पैरों के नीचे से जमीन तब निकली जब ड्राइवर ने कहा, सर आप ही नहीं तो कहा था मैं एरा को आज कॉलेज से खुद पिक करूंगा, सर इसलिए मैं गया ही नहीं। ड्राइवर की बात सुनकर हुमायूं परेशान कुन हालत में नीचे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा था। ये सच था कि इसने ही ड्राइवर को बोला था एरा को आज खुद लाने का, क्योंकि आज वो एरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए हुमायूं बार बार घड़ी देख रहा था क्योंकि एरा के कॉलेज ऑफ हुए 2 घंटे हो गए थे। ऊपर से मौसम के तेवर भी खराब लग रहे थे। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। ऊपर एरा अभी तक लाहौर के रास्तों से वाकिफ नहीं थी। हुमायूं एरा के कॉलेज पहुंचा तो एक तो कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा था, दूसरा बारिश भी जोरों शोर से जारी थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। एरा के पास अभी तक मोबाइल नहीं था। हुमायूं को अपनी इस हमाकत पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। हुमायूं तेज बारिश में दीवानावार एरा को कॉलेज के आसपास ढूंढ रहा था, बार बार आवाजें दे रहा था मगर बेसुध। इतनी तेज बारिश में भी हुमायूं के आंसू तेजी से बह रहे थे। हुमायूं थक हार कर गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था जब एक नजर दरख्त के पीछे गई जहाँ कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। हुमायूं तेजी से दरख्त की तरफ गया। वहां पहुंचकर हुमायूं को ऐसा लगा जैसे इसे किसी ने जिंदगी की नवीद सुना दियो। एरा घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी जब हुमायूं ने इसे पुकारा, एरा। हुमायूं की बात सुनकर एरा ने तेजी से सर उठाकर देखा तो अपने सामने हुमायूं को खड़ा पाया। एरा तेजी से उठकर हुमायूं के गले लग गई थी। हुमायूं ने भी इसे जोर से अपने सीने में जकड़ लिया था। एरा ने रोते हुए कहा, आप वो लड़के मुझे ये बोल रहे थे कि। एरा तेजी से हुमायूं से अलग हुई और मारते हुए कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप बहुत बुरे हैं हुमायूं, मैं मामा से आपकी शिकायत करूंगी। देखिएगा हुमायूं जो खामोशी से एरा की मार भी खा रहा था और बार बार अपने सामने अपनी जाने मता को देख भी रहा था। हुमायूं को शिद्दत से एहसास हो रहा था इसने कितनी बड़ी गलती की है क्योंकि एरा बहुत डर गई थी। हुमायूं ने एरा को झटके से अपने करीब किया। बिना एरा का सोचे बरसती बारिश में आज अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी। एरा के भीगते लबों पर अपने लब रख दिए थे। इसे कमर से थाम कर ऊंचा कर लिया। एरा जो हुमायूं से बहुत गुस्से में थी हुमायूं की हरकत पर एकदम साकन हो गई थी। ना इसने हुमायूं को अपने आप से अलग किया ना ही किसी कैसी मजामत की। हुमायूं ने एरा के लबों को आजाद कर नीचे उतारा और इसका चेहरा थाम कर कहा था, सो सॉरी शोना मेरी प्रिंसेस, मैं वाकई भूल गया था, मेरी जान मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। हुमायूं ने जाने क्या क्या बोले जा रहा था मगर एरा आज साफ देख सकती थी हुमायूं की जिंदगी में अपनी अहमियत, मगर इससे ज्यादा वो देख नहीं पाई और बेहोश होकर एरा हुमायूं की बाहों में झूल गई थी।